good morning students in our last class we have seen the viviparous and oviparous animals right the animals which give birth to their young ones are called as viviparous animals or SA animals jo, uh, uh, lay uh, de, the animals which lay eggs are called as oviparous animals right this thing we have discussed in our last class नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दर टॉपिक दैट इज़ दंग वन टू द एडल्ट कैसे एक छोटा सा यंग वन जो होता है वो एक एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है दिस थिंग वी आर गोइंग टू सी ही ओके सो द न्यू इंडिविजुअल्स विच आर बॉर्न और हैज फ्रॉम एग कंटिन्यूज टू ग्रो राइट एक एग से जब एक इंडिविजुअल बॉर्न होता है या जब एक इंडिविजुअल नॉर्मली बॉर्न हो या जो इंडिविजुअल एक् से निकला है वो क्या करता है अपने आप धीरे धीरे ग्रो होता है टाइम के साथ साथ टिल दे हैव बिकम फुल एडल्ट और वो कब तक ग्रो होता रहता है जब तक वो एक कम्प्लीट एडल्ट नहीं बन जाता है इन सम एनिमल्स द यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट फ्राम द एडल्ट्स कुछ एनिमल्स में जो यंग वंस हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट दिखते हैं अपने एडल्टुड से राइट रिकॉल द लाइफ ऑफ साइकिलॉक्स ऑफ वॉम आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होंगी वॉम की आ, जो लाइफ साइकिल होती है राइट right? कैसे वो पहले एक लार्वा रहता है फिर कैटरपिलर बनता है फिर ऐसे धीरे धीरे करके उसकी बॉडी जो है वो डेवलप होती है सो सबसे पहले एग रहता है फिर वो लार्वा जिसको हम कैटरपिलर भी बोलते हैं फिर प्यूपा और फिर जाके वो एक सिल्क कॉर् या एक एडल्ट सिल्क बनता है राइट यू स्टडीड इन क्लास सेवन्थ आप क्लास सेवन्थ में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फ्रॉग इज़ अदर सच एग्ज़ाम्पल फ़्रॉग भी इस तरह का ही एक एग्ज़ाम्पल है बिकॉज़ फ्रॉग में ये एग है सबसे पहले ये एग रहता है हमने पढ़ा था बहुत सारे एग्स रहते हैं जिस पर स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज़ होता है उसके बाद ये अर्ली टैटपोल बनता है फिर लेट टेटपोल बनता है जैसे जैसे ये डेवलप होता जाता है तो फिर ये इस तरह से दिखता है और जब ये कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है तब ये फ्रॉग जो है वो इस तरीके से दिखता है राइट right? सो so, ये एक साइकिल होती है फ्रॉग की बेसिकली तो अर्ली स्टेज में और फाइनल स्टेज में ये जो फ्रॉग है वो कम्प्लीटली डिफरेंट दिख रहा है राइट right? तो so, कुछ एनिमल्स में जो एडल्ट एनिमल्स होते हैं वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से काफ़ी अलग दिखने लग जाते हैं राइट डोंट द टेट पोल लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट राइट जो टेटपोल है वो बहुत डिफरेंट दिख रहा है अपने एक एडल्ट रूप से कैन यू इमेजिन दैट दीज टेट पोल्स सम डे बिकम फ्रॉग हम देख कर इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि जो टेटपोल है वो एक दिन डेवलप होकर एक फ्रॉग बन जाएगा राइट right?

और वो फ़ीचर्स जो उनके एडल्टुड uh, में होते हैं वो अभी यंग वंस में नहीं देखने को मिलते हैं मतलब जब फ्रॉग uh, अपने टैडपोल वाले रूप में हैं उस समय उसमें फ्रॉग वाले फ़ीचर्स हमको देखने को नहीं मिलेंगे सिमिलरली कैटरपिलर में भी हमको फॉर्म वाले फ़ीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे देन वॉट हैपन टू द टेडपोल और कैटरपिलर्स देयर आफ्टर तो बाद में टैटपोल और कैल्टरप्लस में एग्जैक्टली क्या होता है कि वो इस तरीके से डेवलप होकर एक नया ही एनिमल बन जाते हैं नया ही इन द सेंस बिल्कुल अलग दिखने वाला एक एनिमल बन जाते हैं यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटिफुल मोथ इमर्जिंग आउट ऑफ द काकून आपने लास्ट ईयर देखा होगा काकून में से एक ब्यूटिफुल मोथ जो है वो बाहर आता है केस इन द केस ऑफ़ टैटपोल्स दे ट्रांसफॉर्म इंटू द एडल्ट केपेबल ऑफ जम्पिंग एंड स्विमिंग और टेटपोल भी जो डेवलप टेटपोल भी जो होते हैं वो डेवलप होकर एक फ्रॉग बना लेते हैं और वो जो फ्रॉग है वो जंप भी कर सकता है स्विम भी कर सकता है राइट right? मतलब वो हर तरीके से केपेबल होता है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इंटू एन एडल्ट थ्रू द ड्रेस्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामोफोसिस और जब जो यंग वन है वो कम्प्लीटली डेवलप होकर एक नया ही एडल्ट बना लेते हैं जिसकी जिसकी कैरेक्ट्रिस्टिक्स कम्प्लीटली डिफरेंट होती हैं पूरी तरीके से वो अलग होता है उस प्रोसेस को बोला जाता है मेटामोफोसिस ओके व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन अवर बॉडी एज वी ग्रो और ऐसे क्या वो चेंजेस होते हैं जो हम हमारी बॉडी में ऑब्जर्व कर सकते हैं जैसे धीरे धीरे हम बड़े होते जाते हैं राइट right? तो जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं वैसे वैसे हमारी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं दिस थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस डू यू थिंक वी टू अंडर गो क्या क्या में भी मेटाफोमोरफोसिस की प्रोसेस होती है इन ह्यूमन बींग्स बॉडी पार्ट्स सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन द एडल्ट आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ सो हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता है हमारी बॉडी में जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो बर्थ से ही वैसे ही रहते हैं राइट जब हमारा बर्थ हुआ था उस समय भी हमारे हैंड लेग आई नोज ईयर सब कुछ वैसे ही थे जैसे कि अभी एडल्ट होने पर आ, होते हैं राइट सो so, हमारी बॉडी में मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है मेटामॉर्फोसिस उसको बोलते हैं जब एक बॉडी अपने एडल्टुड में अपने यंग हुड से कम्प्लीटली डिफरेंट लगे जैसे कि एक टेटकोल कम्प्लीटली चेंज होकर एक फ्रॉग बन जाता है राइट लेकिन ह्यूमन बींग इट्स जस्ट दैट कि हमारे uh, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे लेग हैंड ये सब चीज़ें छोटी होती हैं और टाइम के साथ साथ हमारी हाइट बढ़ती जाती है बट एक्चुअल में जो ऑर्गन्स हैं वो तो वही रहते हैं ऑर्गन्स में कोई चेंज नहीं होता है राइट नाउ द नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है जब फीमेल गैमेट्स के साथ मेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो उसको बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज दैट इज ऑफ टू टाइप्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है सो फार वी हैव लर्न अबाउट द रिप्रोडक्शन इन सम फेमिलियर एनिमल्स बट वॉट अबाउट वेरी स्मॉल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड माइक्रो ऑर्गैन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा हम बहुत फेमिलियर हैं कि रिप्रोडक्शन uh, जो है वो सारे ही एनिमल्स में होता है राइट right? हमने देख लिया अभी बट ऐसे एनिमल्स जो बहुत छोटे हैं या हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की तो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है यूनीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जिनमें केवल एक ही सेल होता है तो उसमें किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है जैसे कि अमीबा हो गया हाइड्रो हाइड्रा हो गया पैरामीशियम हो गया उन एनी उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है दिस थिंग वी हैव टू सी डू यू नो हाउ दे रिप्रोड्यूस लेट अस फाइंड आउट तो वो किस तरीके से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं दिस थिंग वी हैव टू डिस्कस हियर ओके सो इन ईच हाइड्रा देयर में बी वन और मोर बल्जेस हर एक हाइड्रा में एक या एक से ज़्यादा बल्ज होते हैं दीज बल्ज आर डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स और ये जो बल्ज होते हैं ये नए नए ऑफ इंडिवीजुअल्स को डेवलप करते हैं और उनको बोला जाता है बर्ड्स रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड इन ईस्ट आपको पता होगा जो यीस्ट होता है उसमें भी बर्ड्स होते हैं इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप एज द आउटग्रोथ फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट और हाइड्रा में भी इसी तरीके से एक नया ऑफस्प्रिंग का बर्थ होता है uh, एक एक पेरेंट जो है वो अपने ऑफस्प्रिंग को बर्थ देता है दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज़ इन्वॉल्व इज कॉल्ड ए रिप्रोडक्शन और ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें एक सिंगल पेरेंट हो हमने पढ़ा था एसेक्सुअल एसेक्सुअल में मेल और फीमेल दोनों ज़रूरी होते हैं लेकिन अगर हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की तो वहाँ पर केवल एक सिंगल पेरेंट होता है तो जब एक सिंगल पेरेंट अपने ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देता है तो उसको बोला जाता है ए सेक्शुअुअल रिप्रोडक्शन सिंस न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स इन हाइड्रा दिस टाइप ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बर्डिंग सो so, सिंस एक नया इंडिविजुअल डेवलप होता है बर्ड से हाइड्रा में सो so, इस टाइप के रिप्रोडक्शन को बोला जाता है ई सैक्शुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली आप देख सकते हैं अगर हम फिगर से समझें तो इट विल बी ईजियर टू तो अंडरस्टैंड ये हाइड्रा का एक सेल है बेसिकली इस सेल का ये जो रेड पार्ट है वो न्यूक्लियस हो गया ये न्यूक्लियस जो है वो धीरे धीरे करके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है राइट अब जैसे ही ये न्यूक्लियस दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो वो धीरे धीरे अपनी सेल बॉडीज़ को भी अलग अलग कर लेते हैं और जब ये सेल बॉडीज़ कम्प्लीटली डेवलप हो जाती हैं तो वो दो अलग अलग सेल बॉडीज़ हो जाती हैं अब ये सेल अलग हो जाएगा और ये सेल अलग हो जाएगा अब इसमें भी फिर से वही प्रोसेस होती है ये फिर से दो में डिवाइड हो जाते हैं या अगेन दो में डिवाइड हो जाते हैं और इस तरीके से जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो चलती रहती है राइट right? सो so, इस तरीके से एक सिंगल पेरेंट ने इस इस एक अकेले हाइड्रा ने दो हाइड्रास को बर्थ दिया और दैट इज इट इज कॉल्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ओके सो अनादर मैथड ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व इन द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स अमीबा लेटे सी लेट लेटस सी हाउ दिस हैपन्स ओके बेसिकली ये अमीबा में हमने देखा अमीबा में इस तरीके का आ, जो रिप्रोडक्शन है वो होता है ओके हाइड्रा में एक्चुअली हाइड्रा में इस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है आ, ये जो है ये एक, एक हाइड्रा सेल है यहाँ पर एक बड़िंग बर्ड प्रोड्यूस होने लग जाता है और धीरे धीरे ये जो पार्ट है बर्ड है ये कम्प्लीटली डेवलप होकर अपनी पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है डिटैच हो जाता है राइट तो यहाँ पे अब ये जो हाइड्रा है ये कम्प्लीट इंडिविजुअल बन गया है सो इन दिस वे हाइड्रा में जो है वो रिप्रोडक्शन होता है तो ये एक ही हाइड्रा से बेसिकली दो हाइड्राज बन गए सो so, इस टाइप के रिप्रोडक्शन को बोला जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन राइट तो इस प्रोसेस को बोला जाता है बडिंग यहाँ पे एक बड बना था वो बड डेवलप होके एक नए ऑफ में कन्वर्ट हो गया एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बडिंग और अगर हम अमीबा में समझें तो अमीबा मैंने आपको अभी फिगर में एक्सप्लेन किया जब एक न्यू एक सेल डिवाइड होकर दो सेल में कन्वर्ट हो जाता है तो ऐसे अम, अमीबा का एक सेल दो सेल बनाएगा फिर वो दो सेल चार सेल चार से आठ इस तरीके से रिप्रोडक्शन जो है वो चलता रहता है अनादर मेथड ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अमीबा लेट एस सी हाउ दिस हैव ऑलरेडी इट यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा यू विल रिकी कॉल द अमीबा इज़ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आपको पता है जो अमीबा है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम होता है मतलब उसमें केवल एक ही सेल होता है उसको बोला जाता है यूनीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इट बिगिनस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाई द डिविजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इंटू द ट्यू न्यूक्लिया इसमें जो डिविज़न है वो कैसे स्टार्ट होता है एक न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो अलग अलग न्यूक्लिया बनाता है आपको पता है ये एक न्यूक्लियस था इसने डिवाइड होकर दो अलग अलग न्यूक्लियाय बनाए और ये न्यूक्लिया अब धीरे धीरे करके ग्रो होंगे और आ, एक कम्प्लीटली डिफरेंट दो अलग अलग हाइड्रास बना अमीबा बना लेंगे राइट लेट अस सी लेट अस सी हाउ दिस हैपन यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा you will recall the uh, amoeba is a single cell organism it begins the process of reproduction by the division of its nucleus into the two nuclei this is followed by the division of its body into the bodies into the two and each part receiving a nucleus finally two amoeba are produced from one parent amoeba finally two amoeba are produced from one parent amoeba uh, to एक अमीबा से जब दो अमीबा अलग अलग प्रोड्यूस हो जाते हैं सो so इस प्रोसेस को बोला जाता है दिस दिस टाइप ऑफ ए सल रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूस बाई डिवाइडिंग टू द इंटू टू इंडिविजुअल्स इज़ कॉल्ड बाइनरी फिजन तो जब एक ऑर्गेनिज़म दो अलग अलग ऑर्गेनिज़म में कन्वर्ट डिवाइड हो जाता है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है बाइनरी फिजन प्रोसेस राइट तो एक अमीबा सेल ने डिवाइड होकर दो अलग अलग अमीबा सेल प्रोड्यूस किए एंड दैट इज़ वाई इट इज कॉल्ड एज द बाइनरी फिजन अपार्ट फ्रॉम बडिंग एंड बाइनरी फिजन देर आर अदर मैथड्स बाई विच अ सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूसेस द यंग वंस और बाइनरी फिजन और बडिंग के अलावा भी कुछ ऐसी मैथड्स होती हैं जिनके द्वारा एक सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वंस को सिंगल पेरेंट अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं राइट यू विल स्टडी अबाउट दीज इन योर हायर क्लासेस और इनके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इन ऑर्गेनिज़म्स में जो प्रोसेस है वो कैरी आउट होती है राइट नाउ स्टोरी ऑफ अ स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन यहाँ पर आपको एक स्टोरी दे रखी है डॉली द क्लोन की जिससे आपको रिप्रोडक्शन के बारे में और ज़्यादा क्लैरिटी होगी सो वी आर गोइंग टू रीड दिस स्टोरी स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल एनी अदर लिविंग पार्ट और द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग का मतलब होता है जब हम एक सेल की एग्जैक्ट कॉपी बनाएं या एक लिविंग पार्ट या एक लिविंग ऑर्गन की एक कंप्लीट कॉपी जब आप बना लेते हो तो उसको बोला जाता है क्लोनिंग क्लोनिंग इज एन एनिमल क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल वॉज सक्सेसफुली परफॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय ईन विलमोट एंड हिज कलीग्स एट द रॉसलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड और क्लोनिंग जो क्लोनिंग ऑफ एनिमल सबसे पहले कब परफॉर्म किया गया था इयान विलमोड द्वारा रॉसलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एड स्कॉटलैंड की एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पर इसको परफॉर्म किया गया था सबसे पहले दे क्लोन्ड सक्सेसफुली अ शीप नेम्ड डॉली उन्होंने एक डॉली एक डॉली एक शिप का नाम है उस शिप को सक्सेसफुली क्लोन किया गया था मतलब उन्होंने उसकी एग्जैक्ट एक कॉपी बनाई थी ओके डॉली वॉज बॉर्न ऑन फिफ्थ जुलाई नाइनटीन नाइन्टी सिक्स डॉली का जन्म हुआ था फिफ्थ जुलाई 1996 में एंड वाज़ द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड और वो फर्स्ट मैमल थी जिसकी क्लोनिंग की गई थी ओके ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डॉली अ सेल वाज़ कलेक्टेड फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल फिन डोरसेट शिप क्लोनिंग की प्रोसेस के दौरान डॉली जो कि एक जिस, जो एक सिंगल सेल डॉली का एक सिंगल सेल कलेक्ट किया गया फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल फिन डोरसेट शेप दिस वाज़ द स्पीशी ऑफ द शेप ओके जो डॉली थी वो इस स्पीशी की शिप थी ओके सो इसका एक सेल कलेक्ट किया गया साइमल्टेनियसली एन एग वाज़ ऑप्टेन फ्रॉम द स्कॉटिश ब्लैक फेयर ईव और एक ए, ए, जो एग है उसको भी कलेक्ट किया गया एंड यहाँ पे आपको स्पीशी दे रखी है उस शिप की द न्यूक्लिया वॉज़ रिमूव्ड फ्रॉम द एग और एग से न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया गया देन द न्यूक्लियस ऑफ़ द मेमरी ग्लैंड सेल फ्रॉम द फिन डॉर्सेट शिप वॉज इंसर्टेड इन टू द एग ऑफ स्कॉटिश ब्लैक फेस यू ईव हुज़ न्यूक्लियस हैज़ बीन रिमूव्ड और वो शिप जिसका न्यूक्लियस रिमूव कर दिया गया था उसको उसके मेमोरी ग्लैंड में इस एग को इंसर्ट कर दिया गया राइट द एग दस एग दस प्रोड्यूस्ड वॉज इम्प्लांटेड इन टू द स्कॉटिश ब्लैक फे और इससे जो एग प्रोड्यूस हुआ उसको स्कॉटिश ब्लैक फेस यू के ये जो एग है उसको इसकी बॉडी में इम्प्लांट कर दिया गया नाउ डेवलपमेंट ऑफ दिस एग फॉलोड नॉर्मली एंड फाइनली डॉली वॉज बॉर्न और इस तरीके से जो डॉली है उसका जन्म हुआ दो डॉली वॉज गिवन बर्थ बाय स्कॉटिश ब्लैक फिस यू इट वॉज पाउंड टू तो बी एब्सोल्यूटली आइडेंटिकल टू तो द फिन डोरसेट शिप फ्रॉम विच द न्यूक्लियस वॉज टेकन और हालांकि डॉली को बर्थ किसने दिया स्कॉटिश ब्लैक फिस यू ने लेकिन वो कम्प्लीटली किसकी तरह थी फिन डॉर्सेट शिप की तरह थी जिसका हमने न्यूक्लियस जिससे हमने न्यूक्लियस लिया था सिंस द न्यूक्लियस फ्रॉम द एग ऑफ द स्कॉटिश ब्लैक फेस यू वॉज रिमूव्ड डॉली डिड नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्कॉटिश ब्लैक फेस यू सिंस हमने स्कॉटिश ब्लैक फेस यू की बॉडी से एक को रिमूव कर दिया था सॉरी uh, न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया था इसलिए जो डॉली है उसमें कोई भी कैरेक्टर नहीं आया स्कॉटिश ब्लैक फेस यू का और वो कम्प्लीटली किसका कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती रही फिन डॉर्सेट शिप का ओके डॉली वॉज अ हेल्दी क्लोन ऑफ द फिन डॉसेट शेप एंड प्रोड्यूस्ड सेवरल ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ हर ओन थ्रू नॉर्मल सेक्शुअल मीन्स जो फिन डॉर्सेट शिप है डॉली एक हेल्दी क्लोन थी फिन डॉर्सेट शिप की मतलब कि क्लोन का मतलब अभी हमने देखा द एग्जैक्ट कॉपी सो द डॉली वॉज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द फिन डॉर्सेट शिप एंड प्रोड्यूस सेवरल ऑफ स्प्रिंग ऑफ हर ओन थ्रू द नॉर्मल सेक्शुअल मीन्स और उसने नॉर्मल सेक्शुअल मीन्स से अपने जैसे ही दूसरे ऑफ स्प्रिंग्स को भी बर्थ दिया अनफॉर्चुनेटली डॉली डाइड ऑन फोर्टीन फेबररी टू थाउजेंड थ्री ड्यू टू सर्टन लंग डिजीजेज अनफ अनफॉर्चुनेटली फोर्टीन फेबररी टू थाउजेंड थ्री को उसकी डेथ हो गई कुछ लंग डिजीज के कारण सिंस डॉली सेवरल अटैम्प्टेवीन मेड टू प्रोड्यूस क्लोंड एनिमल्स और डॉली के बाद में बहुत सारे अटैम्प्टस किए गए क्लोंड एनिमल्स बनाने के लिए हाउ एवर मैनी डाई बिफोर बर्थ और डाई सून आफ्टर बर्थ बहुत सारे बर्थ के दौरान और बर्थ से कुछ समय बाद डाई हो गए द क्लोन मैमल्स आर मैनी अ टाइम फाउंड टू बी बॉर्न विथ सेवरल एबनॉर्मलिटीज़ और जो क्लोन्ड एनिमल्स हैं वो बहुत आ, बार ये देखा जाता है कि जो क्लोन्ड एनिमल्स हैं उनमें काफ़ी सारी एबनॉर्मलिटीज़ रहती हैं उनमें वो नॉर्मल बर्थ उनका नहीं हो पाता है राइट सो so, इस तरीके से क्लोनिंग की प्रोसेस की गई जिसमें हमने दो अलग अलग स्पीशीज़ ली एक का न्यूक्लियस रिमूव करके उसमें दू दूसरे का न्यूक्लियस फ्यूज़ करवाया और जिससे हमने एक अलग टाइप की शिप को बर्थ दिल करवाया दैट वॉज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द शिप जिसका हमने न्यूक्लियस लिया था राइट right? और वो उस शिप से मैच नहीं कर रही थी जिसने उस शिप को बर्थ दिया था ओके सो दिस प्रोसेस वॉज सेट टू बी एज द Cloning process. So, uh, this was the last topic of the chapter, students, and hence our chapter is completed now. So, in our next class, we are going to discuss the next chapter. Okay, thank you.